ये और सब गाइस कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में मैंने अपनी नेदरराइट सॉर्ड पर लूटिंग 3 की एन्चेंटमेंट लगाई थी और इस एन्चेंटमेंट को लगाने के बाद मैं सॉर्ड को लेकर गया था सीधा नेदर पोर्टल के फोर्ट्रेस पे और वहां पर जाकर ना गाइस मैंने काफी सारे विदर स्केलेटन्स को मारा था। अब उनको मारने से ना गाइस मेरे को काफी सारे यहां पर विदर स्केलेटन्स कल मिल गए थे। वैसे काफी सारे नहीं, सिर्फ 3 मिले थे। ये मिलना बहुत ज्यादा यूनिक होता है, इसीलिए मैंने अपनी सॉर्ड पर लूटिंग 3 की एन्चेंटमेंट लगाई थी ताकि मेरे को जल्दी से जल्दी मिल जाए। अभी फिलहाल ये सब तो मिल गए और ये मैंने लिए पता है किस लिए थे, क्योंकि गाइस अभी ना इन स्कल से मैं एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर बनाने वाला हूं जिस मॉन्स्टर का नाम है वेदर। और इस मॉन्स्टर को मारने के बाद गाइस मेरे को एक नेदर स्टार मिलेगा और उस नेदर स्टार से मैं बना सकता हूं बीकन, जिससे मेरे को काफी सारी अलग अलग बहुत मजेदार स्पेशल एबिलिटी मिल सकती है। बट यार ये कहना आसान है लेकिन उसको मारना बहुत ज्यादा मुश्किल है जहां तक मुझे पता है। तो मुझे ना गाइस पहले काफी सारी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी कि मुझे उसे किस तरीके से मारना है, क्योंकि वो जो मॉन्स्टर बहुत खतरनाक है। वो एक बार में ऐसा अटैक करता है जैसे 5 क्रीपर ब्लास्ट हुए हो। तो मान लो अगर वो मेरे कासल पे आ गया तो 2 से 3 सेकंड के अंदर वो पूरा कासल फोड़ डालेगा भाई, उसका कुछ नहीं पता। वो उसके अंदर चला गया तो भाई पूरा चूरा कर डालेगा। तो इसलिए ना पहले मैं उसको थोड़ा दूर ले जाके मारूंगा। तो गाइस यार प्रिपरेशन करने के लिए मुझे थोड़ी बहुत एन्चेंटमेंट बुक्स चाहिए होंगी और थोड़े बहुत पोशंस चाहिए होंगे। वैसे यार देखो आप लोग को तो पता ही कि मेरे पास कितना बड़ा ट्रेडिंग हॉल है जिसके अंदर काफी सारे विलेजर्स है और इनको मैं लैटन देके लाइब्रेरियन बना सकता हूं और जो सी मर्जी चाहे वो मैं एन्चेंटमेंट इनसे ले सकता हूं ट्रेडिंग करके। और ट्रेडिंग करने के लिए हमें चाहिए होते विलेजर जिससे हमें मिलेंगे एमरल्ड्स, और एमरल्ड्स वो हमें कब देंगे जब हम उन्हें कुछ ले जाकर देंगे। और आपको पता ही है मेरे पास इतना बड़ा शुगर केन फार्म है और इस शुगर केन फार्म से मैं जितना मर्जी चाहे उतना पेपर बना सकता हूं और पेपर से ट्रेडिंग करके एमरल्ड लूंगा, एमरल्ड से इनके साथ ट्रेडिंग करके मेरे को जो भी एन्चेंटमेंट चाहिए होगी वो लूंगा। फिलहाल एक सेकंड, यहां पर मेरे को एक चीज नहीं समझ आ रही। इधर अभी तक लाइब्रेरियन होते थे बट इधर ये विच कहां से आ गई भाई? ये कहती है ना एक सेकंड रुक जाओ, तू भी ट्रेडिंग कर दिया क्या? एक मिनट रुक जाओ भाई, ये तेरी भैंस के इसने मेरे को इफेक्ट दे दिया इसकी ऐसे की तैसी। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैंने इसको मार दिया बट इसने जो मेरे को इफेक्ट दिया था ना गाइस वो इफेक्ट इस लाइब्रेरियन को भी लग गया है। चलो कोई नहीं, फिलहाल यहां पर इस लाइब्रेरियन के पास नॉक बैक, तो ये मेरे को नहीं चाहिए। मुझे कुछ नहीं करना गाइस, ये जो बस इनका वर्क स्टेशन होता है ना ये तोड़ के दूसरा लगाना है और ये जो है फिर हमें दूसरी एन्चेंटमेंट्स देने लग जाएंगे। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल बात कर लेते हैं कि वेदर से फाइट करने के लिए मेरे को कौन कौन सी एन्चेंटमेंट चाहिए। तो सबसे पहली एन्चेंटमेंट मेरे को जो चाहिए वो है प्रोटेक्शन 5 की, क्योंकि यहां पर मेरे पास जितने भी आर्मर है ना ये सारे के सारे बहुत कच्चे हैं। वैसे मैं सारे डायमंड्स के पहनने वाला हूं और जो मेरी चेस्ट प्लेट है वो नेदरराइट की रहेगी और इन सब के ऊपर मैं लगा दूंगा प्रोटेक्शन 5 जिससे और भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे और वेदर मेरे पे अटैक करेगा तो मेरी थोड़ी कम एचपी जाएगी। और इसके बाद मेरे को चाहिए मेंडिंग। मेंडिंग से क्या होगा, मैं जितनी बार उसे मारूंगा या फिर जितनी मेरे को एक्सपी मिलेगी उससे सारे के सारे साथ के साथ रिपेयर भी होते जाएंगे। और तीसरी एन्चेंटमेंट मेरे को चाहिए पावर 5 की, जिसको मैं अपनी बो पे लगा दूंगा, क्योंकि यार वेदर जो है ना उड़ उड़ के फाइट लेता है तो मैं उसे अपनी सॉर्ड तो फेंक के मारूंगा नहीं, तो इसलिए बो की भी जरूरत है। और उसके ऊपर मैं लगाऊंगा चौथी एन्चेंटमेंट इन्फिनिटी की, जिससे कि मेरे को तीर सारे ले जाने पड़ेंगे, एक ही तीर में सारे इन्फिनिटी हो जाएंगे तो अपना काम बस हो जाएगा। अभी फिलहाल जल्दी से मैं काम करता हूं, यहां पर जो इनका वर्क स्टेशन है इसको तोड़ता हूं और यहां पर ना दोबारा लगा के देखते हैं कि अब हमें ये क्या देने वाला है। फिलहाल यहां पर दोबारा से लगा, ये मेरे को दे रहा प्रेसिंग की, इससे मेरे को नहीं पता क्या होता है। बाकी अभी मेरे को जो मैंने 4 बताई है बस मेरे को ये चाहिए, फिर पोशन बनाने हैं और उसके बाद अपना काम बस हो जाएगा। लेकिन उसके लिए ना काफी ज्यादा एक्सपी भी चाहिए होगी, बाकी इंपेलिंग की दे रहा, तो बस इसी तरीके से हमको तोड़ के लगाते रहना है और एक ना एक बार हमें दे देगा। तो गाइस यार फाइनली पूरी के पूरे आधे घंटे बाद इन विलेजर्स का वर्क स्टेशन चेंज करते करते फाइनली इन लोगों ने मेरे को वो एन्चेंटमेंट दे दिया जो मेरे को चाहिए थी। तो मैंने पता क्या करा, यहाँ पर जो टूलस्मिथ वाले विलेजर्स थे ना उन लोग का भी वर्क स्टेशन मैंने तोड़ के लैक्टन लगा दिया ताकि वो भी लाइब्रेरियन बन जाए। फिलहाल ये तो पागल विलेजर है, ये मेरे को फ्लेम दे रहा जो कि मेरे को नहीं चाहिए। ये मेरे को दे रहा इन्फिनिटी जो कि मैं बो पे लगाऊंगा, ये मेरे को दे रहा पावर 5, ये भी बो पे लगाऊंगा। और ये जो बंदा है ये लूटिंग दे रहा है, तो लास्ट टाइम जब हमने जिससे लूटिंग ली थी वो वाला, इससे कुछ नहीं चाहिए। ये हमें दे रहा है मेंडिंग, फिलहाल मेंडिंग भी लास्ट टाइम में मिली गई थी। और बाकी ये वाला मेरे को दे रहा प्रोटेक्शन 3, और प्रोटेक्शन 3 तो मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए प्रोटेक्शन 5। बट दो बुक्स मिला के मैं प्रोटेक्शन 5 बना लूंगा, उसके लिए बस हमें थोड़ी बहुत एक्सपी चाहिए होगी। बाकी ये जो बंदा है ना गाइस इससे मेरे को काम की चीज तो नहीं मिल रही, बट ये काम किया बट अभी के लिए नहीं है। स्माइट 5 दे रहा है जिसको मैं अपनी एक और नेदरराइट सॉर्ड पर बनाऊंगा, क्योंकि स्माइट 5 बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। फिलहाल अभी ना मेरे को कुछ नहीं करना, बुक्स लेकर आनी है, एमरल्ड्स लेकर आने हैं और बाकी एमरल्ड्स तो आपको पता ही है मेरे को आराम से मिल जाएंगे मेरे शुगर केन फार्म से। अभी फिलहाल ये जो हॉर्स है ना इसको जल्दी से मैं अपने कासल में लेकर जाने वाला हूं, क्योंकि मुझे पता चला है ये काफी ज्यादा यूनिक है, मेरे को लास्ट टाइम लग रहा था क्योंकि यार मैंने इसे पहली बार देखा था। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं एक काम करता हूं, अपने हॉर्स को ना यहीं पर बांध देता हूं, आपस में लड़ाई मत करना यार बस, ठीक है? तो चलो यार अभी ना फटाफट से मैं चलता हूं सीधा अपने कासल के अंदर। अभी रात हो गई, अभी सो जाते हैं और अभी जो अपना ऑलमोस्ट हमें एन्चेंटमेंट चाहिए वो सारी मिल चुकी है। बस मुझे कुछ नहीं करना, बुक्स लेनी है, एमरल्ड्स लेने हैं और साथ में धीरे धीरे एक्सपी बढ़ानी है अपने एक्सपी हम जाकर, और सारी की सारी बुक्स लेकर अपने जितने भी वेपन्स है और जितने भी आर्मर है सब पे लगाने। तो सबसे पहले काम करता हूं, यहां पर आर्मर चेक कर लेता हूं मेरे पास पड़े भी हैं या फिर नहीं, वैसे पड़े हैं सीधी सी बात है, तो यहां पर मैंने रखे थे सारे आर्मर। तो ये रहा मेरा हेलमेट, बाकी यार पूरा का पूरा बैग इस टाइम पर भर चुका है। तो
सबसे पहले जितना भी फालतू का सामान है वो मैं बाहर निकाल देता हूँ। जैसे कि काफी सारा फूड मैं लेकर अपने साथ घूम रहा हूँ, वही बहुत सारा खाना मेरे पास हो चुका है। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने लोकल वाले आर्मर सारे के सारे उतार दिए, और जो बाकी मेन आर्मर है वो भी मैं पहनने वाला हूँ। जैसे कि होगा डायमंड का हेलमेट, डायमंड की पैंट एंड साथ में डायमंड के बूट्स। और गाइस अभी ना मेन चीज तो ये है कि जितना भी सामान है मैंने पहन तो लिया है, लेकिन इसमें मैंडिंग लगा के इसे रिपेयर भी करना है, तो वो तो बहुत आराम से हो जाएगी। तो अभी के लिए फिलहाल मैं जल्दी से यहाँ पर सो जाता हूँ, नेक्स्ट डे हम लोग करने वाले हैं असली तबाही। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैं सोकर उठ चुका हूँ। सबसे पहले एक काम करता हूँ, यहाँ पर जितना भी फालतू का सामान है ना उसे मैं किसी चेस्ट में धरवा देता हूँ। भाई पूरा का पूरा इस टाइम पर ना जो बैग है वो भरा पड़ा है। एक काम करता हूँ, जो डायमंड वाले कपड़े हैं तो सारे के सारे मैं पहन लेता हूँ। और एक कपड़े नहीं है, ये आर्मर है, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अभी ना यहाँ पर सब कुछ ही मैंने रख दिया है, बाकी थोड़े बहुत वेपन्स है फालतू के उसको भी मैं यहाँ पर रखवाता हूँ। जैसे कि गोल्डन स्वॉर्ड हो गई, आयरन स्वॉर्ड हो गई, तो इनका भी कोई यूज नहीं है। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल जितना भी फालतू का सामान था वो मैंने सारा का सारा इस चेस्ट के अंदर रखवा दिया। और बाकी एक मैंने टोटम ऑफ अनडाइंग भी ले लिया, थोड़ा सा ब्लेस पाउडर भी ले लेते हैं। और टोटम ऑफ अनडाइंग इसलिए लिया ताकि अगर वेदर मेरे को मार दे तो मैं दोबारा से जिंदा हो जाऊं, इसलिए। तो इसलिए मैंने भी टोटम ऑफ अनडाइंग ले लिया है। बाकी भी मेरे को और क्या क्या चाहिए, वैसे तो सब कुछ हो गया। अब ना गाइस जल्दी से पोशंस बनाते हैं और फटाफट से ना एक्सपी लेके बुक्स अपनी सारी की सारी लेंगे, और अपने जितना भी आर्मर है जितने भी वेपन है सबको एनचेंट कर लेंगे, और फिर निकल लेंगे सीधा वेदर को मारने के लिए। तो चलो गाइस, अभी फिलहाल सब कुछ हो गया, मैं वेदर को मारने जा रहा हूँ। ये स्केलेटन मेरे से डरते ही नहीं है भाई, इनको भी पता नहीं है मैं क्या चीज हूँ। खैर छोड़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं, एक ना एक दिन इनको पता चलेगा। और वैसे भी फिलहाल यहाँ पर काम चल रहा है, वॉल का टेंशन मत करो, धीरे धीरे बन जाएगी, बहुत टाइम लगने वाला है इसे बनाने में, तो इसलिए मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ आराम आराम से। बाकी अभी यहाँ पर स्केलेटन बाहर आ गया ना पक्का मेरे को लग। अच्छा ये हॉर्स के एक सेकेंड कि कुछ तो ओह जलता हुआ आया है, चलो कोई नहीं ठीक है। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल जल्दी से सबसे पहले मैं थोड़ी बहुत बोतल बना लेता हूँ। तो तीन बोतल यहाँ पर बन गई है, तो मैं टोटल छह पोर्शन बनाने वाला हूँ। तीन बनाऊंगा पोर्शन ऑफ रीजनरेशन, तीन बनाऊंगा पोर्शन ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ से क्या होगा, जो भी मैं अटैक करूंगा ना वेदर के ऊपर वो उसे ज्यादा भारी पड़ेगा और उसकी ज्यादा हेल्थ जाएगी। और रीजनरेशन से क्या होगा, जो वो मेरे पे अटैक करेगा ना वो इफेक्ट दे देता है, तो मेरी एचपी बहुत तेज जाएगी। तो रीजनरेशन से ना धीरे धीरे एचपी बढ़ती है। बाकी आप में से बहुत से लोग सोच रहे हो कि मैं कुछ ज्यादा ही प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो यार देखो सीन क्या है, उसको मारने की ना काफी सारी ट्रिक्स है, बट मैं उसे किसी भी ट्रिक्स या फिर किसी भी आयरन गोलम वगैरह की हेल्प लेकर नहीं मारूंगा। इस टाइम पर मैं ना उससे अकेले फाइट करना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि मैं अकेले उसे मार सकता हूं या फिर नहीं। तो गाइस यार ये जो फाइट है बहुत ज्यादा खतरनाक 1v1 बराबरी की होने वाली है, तो देखते हैं कौन जीतता है। तो चलो गाइस यार, अभी ना फिलहाल मैं भागते भागते सीधा अपने कासल के पीछे वाले रिवर में आ गया हूँ, क्योंकि गाइस अभी ना मेरे को अपनी बॉटल्स के अंदर पानी भरना है। वैसे अभी ना मैंने तीन ही बॉटल्स के अंदर पानी भरा है, लेकिन मेरे को पोशन छह बनाने हैं। अब तीन बॉटल्स के अंदर इसलिए भरा है क्योंकि तीन बॉटल मेरी ऑलरेडी यहाँ पर ऑकवर्ड पोशन में बनी हुई है, क्योंकि जब मैं पहले यहाँ पर पोशन ऑफ रीजनरेशन बना रहा था तो मैंने बनाया था, बट उस टाइम मेरे को रेसिपी नहीं बता थी। तो अभी फिलहाल ये है अपना ऑकवर्ड पोशन, इसके ऊपर हमें बस ना यहाँ पर थोड़ा सा ब्लेज पाउडर डालना है, और ब्लेज पाउडर में मिल जाएगा ब्लेज रॉड से, तो ये मेरे को मिल गया। अभी ना गाइस जल्दी से इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ, तो बस यहाँ पर जो है प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गया है। और गाइस उसके बाद मैं इसके ऊपर अगर रेडस्टोन डालूंगा तो इसकी जो टाइम लिमिट है वो भी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, बट यहां पर मैंने ब्लेज पाउडर बनाया है इसलिए ऑलरेडी इतना सारा पड़ा हुआ था, बट कोई नहीं अभी इसको यहां पर रख देते हैं। वैसे हमको थोड़ा सा रेडस्टोन चाहिए बट वो मिलने नहीं वाला। और गाइस अभी ना मेरे को पोशन ऑफ रीजनरेशन बनाने के लिए सबसे पहले जाना पड़ेगा नेदर पोर्टल में, और वहां पर जाकर मुझे घास को मारना है, और घास को मारने से मिलती है घास टियर, और घास टियर से मिलता है पोशन ऑफ रीजनरेशन। तो चलो यार अभी ना जल्दी चलते सीधा नेदर पोर्टल, और घास को मारना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से मार दूंगा, कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। तो जल्दी से चलते हैं सीधा। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं भागते भागते सीधा नेदर पोर्टल में आ गया हूं। फिलहाल सबसे पहले ना मेरे को थोड़ा बहुत ओपन फील्ड में जाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर ऐसे जहां ऊपर ब्लॉक होता है ना वहां पर घास टियर के मिलने के कम चांस होते हैं, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। बाकी तो और आप लोग यहां पर देख ही पा रहे हो कि मैं पहले नेदर पोर्टल में कितना डरता था, बट अभी मैं इतनी तेज तेज भागता हूं ना भाई मेरे को बिल्कुल नहीं डर लगता। तो गाइस यार देखो ये बात तो बिल्कुल सही है कि जब जिस चीज की जरूरत होती है ना वो उस टाइम पर कभी नहीं मिलती। मतलब यार मैं एक घास ढूंढ रहा हूं इतनी देर से, बट अभी तक मेरे को यहां पर एक भी घास नजर नहीं आई, और जबकि मैं इतना नॉर्मली घूमता हूं तो हमेशा आके अटैक करती है। और बाकी मेरे को ना गाइस अभी घास की आवाज आई है ऊपर से, एक बारी मैं ऊपर चलकर ओ आवाज आ रही है भाई, वो पक्का ऊपर ही है, घास तो ये जरूर है, मेरे को उसकी आवाज की अच्छे से पहचान है। तो अभी ना गाइस जल्दी से ऊपर चलकर देखो, ओए यहां पर एक सेकंड अटैक, ओए ये सामने से कहां से, ओ दो आ गई, अभी तक एक भी नहीं थी और ये दो कहां से आ गई। बाकी यार ये पूरे में आग लगा देगी, रुक जाओ, मेरे को ना अपने साथ एक बॉल लेकर आनी चाहिए थी, तभी मैं इसके ऊपर एकदम बढ़िया तरीके से अटैक कर पाता। अभी तो फिलहाल यार मैं इसे मार भी नहीं पाऊंगा अगर मैं इसके, एक सेकंड रुक जाओ यहाँ पर इसको आने दो। ओ ओ, ओ भाई साहब, तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो मेरे ऊपर घास ने अटैक करा और मैंने इसका जो ये वापस इसके ऊपर मार दिया है, बट यार इसकी हेल्थ इस चीज से नहीं जा रही, रुक जाओ आज इसे देख ही लेता हूँ कितनी जान है इसके अंदर। लेते रही ऐसे की पड़ी इसकी, ओ भाई कितने खतरनाक तरीके से मैंने यहाँ पर घास को मारा है, और फाइनली यहाँ पर हमको घास टेयर मिल गया, दो ही मिले बस। तो चलो गाइस यार कोई दिक्कत की बात नहीं, दो से अपना काम हो जाएगा। तो अभी फटाफट से मैं निकल लेता हूँ वापस अपने कासल के लिए। बाकी तो और आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो पूरी जगह पर बहुत खतरनाक आग लग गई है।
तो चलो गाइस यार फाइनली मैं भागते भागते वापस से सीधा अपने पोर्टल के पास आ चुका हूँ। तो गाइस अभी ना जल्दी से चलते हैं सीधा अपने कासल पे। और गाइस अभी ना मेरे पास एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया है, और वो आइडिया ये है कि ना गाइस मेरे पास ना कुछ कैरेट पड़े हैं और काफी सारे ना गोल्ड नगेट भी पड़े हैं। और जहां तक मुझे पता है फूड आइटम में ना सबसे ज्यादा हेल्थी कैरेट ही होते हैं, मतलब कैरेट नहीं गोल्डन कैरेट। तो अभी ना गाइस जल्दी से काम करता हूँ, कैरेट मैंने इसी किसी में रखे थे, एक मिनट यार ढूंढने पड़ेंगे। तो गाइस यार मैं भी पता नहीं कैसे ढूंढ रहा था, सारा कैरेट इसी के अंदर पड़ा हुआ और जितना गोल्ड मेरे को चाहिए वो भी सारा यहीं पर है। तो गाइस अभी जल्दी से सारा गोल्ड नगेट मैंने कलेक्ट कर लिया है और अभी फटाफट से कैरेट को यहां पर डालते हैं और इसे चारों तरफ से गाइस मेरे को ना कुछ इस टाइप से मतलब कि कवर कर देना है ताकि जो जितना भी है ना सारा गोल्ड कैरेट बन जाए और फिर ये गाइस बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो गाइस अभी ना जल्दी से यहां पर जितना भी सारा कलेक्ट करता हूं, बाकी गोल्ड काफी सारा लगने वाला है अभी। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहां पर मैंने काफी सारा गोल्डन कैरेट क्राफ्ट कर लिया है और बाकी जो नॉर्मल कैरेट है उसको भी अपने साथ ही रखते हैं। और गाइस अभी ना मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सारा का सारा काम कंप्लीट हो गया है, बट अभी ना एक छोटा सा काम यही रह रहा है कि अपने जितने भी आर्मर है उनके ऊपर एन्चेंटमेंट करनी है और एक बो बनानी है और उसके ऊपर पावर 5 एंड इन्फिनिटी लगाना है और फिर हम लोग गाइस रेडी हो जाएंगे उससे फाइट करने के लिए वेदर से। और वैसे जो पोशन है अभी वो भी रह रहे तो हम लोग नेक्स्ट डे कर लेंगे। बाकी यार ये जो जितना भी काम है ना एन्चेंटमेंट लगाने का गाइस ये फटाफट से मैं करके स्किप करता हूं, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे शुगर केन फार्म में जाकर शुगर केन लेना, उसे पेपर में कन्वर्ट करना है, फिर ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग करके एमरल्ड्स लेके बुक पे लगानी है और फिर उसके बाद अपनी सॉर्ड वगैरह पे लगानी है, तो उसमें बहुत टाइम लगने वाला है यार। तो चलो गाइस यार फाइनली यहाँ पर इन विलेजर्स से ट्रेडिंग करके मैंने सारी की सारी एन्चेंटेड बुक्स कलेक्ट कर लिया। बस मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ पर जितनी भी एन्चेंटेड बुक्स है ना इनको अपने टूल्स और अपने आर्मर के ऊपर लगाना है। लेकिन गाइस यार उसके लिए हमें काफी सारी एक्सपी चाहिए होगी और एक्सपी मिलेगी हमें अपने एक्सपी फार्म पर। तो भी फटाफट से ना एक काम करता हूं, अपने एनविल को तोड़ता हूं और सीधा एक्सपी फार्म लेकर चलता हूं, क्योंकि अगर मैं एक्सपी फार्म जाऊंगा वहां से एक्सपी लेकर आऊंगा फिर उनको बार बार ही राउंड लगाना पड़ेगा, तो अपने पास इतना टाइम नहीं है। एक माइन कार्ड की भी मेरे को जरूरत है, तो वहां पर माइन कार्ड है, फटाफट से माइन कार्ड उठाता हूं और सीधा चलता हूं एक्सपी फार्म और सारे टूल्स पर लगा लेता हूं। बाकी भी एक दिक्कत हो रहा है कि यार भाई कितना सारा काम करना पड़ेगा। अभी ना फिलहाल ये वाला पोशन तो मेरा बन गया था, इसमें मैंने रेडस्टोन भी डाल दिया था, इसलिए इसकी मतलब कि जो टाइमिंग है वो 8 मिनट की हो गई थी। तो भी फटाफट से इसको मैं यहां पर रखता हूं और अभी यहां पर मेरे को एक नेदर वॉट चाहिए होगा, ये रहा नेदर वॉट, तो यहां पर रखता हूं मैं इसे। अब इससे गाइस क्या बनाने वाला हूं मैं, पोशन ऑफ रीजनरेशन, जिससे हमारी हेल्थ बढ़ती रहेगी। तो यहां पर रखना है नेदर वॉट, इससे बनेगा ऑकवर्ड पोशन। उसके बाद मैं रख दूंगा घास टियर, उससे बन जाएगा पोशन ऑफ रीजनरेशन। उसके बाद मैं रख दूंगा रेडस्टोन, जिससे कि उसका टाइम भी बढ़ जाएगा। तो गाइस जब तक ये हो रहा है फटाफट से यहां पर मैं सारे टूल्स में एन्चेंटमेंट लगा करा दूं। तो गाइस यार इस टाइम ना मैं एक तीर से दो निशाने लगा रहा हूं। आप लोग ने देखा होगा कि जो मेरी चेस्ट प्लेट है उसकी हेल्थ कम थी, लेकिन मैंने क्या करा इसके ऊपर मेंडिंग लगा के अपने लेफ्ट हैंड में रख लिया, जिससे कि इसकी एचपी बढ़ गया। मान लो जैसे कि मेरा ये हेलमेट है, मेरे को इसकी एचपी बढ़ानी है, तो मैं इसे बस अपने लेफ्ट हैंड में रखूंगा और यहां पर कुछ ज़ॉम्बी मार दूंगा। इससे क्या होगा, देखो मेरे को एक्सपी मिली और यहां पर इसकी हेल्थ जो है बस बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो बस इन्हें मारना है। और यहां पर कितनी सारी एक्सपी मिल रही है और इसकी हेल्थ फुल होगी, बस 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 बस। अब इसको रखो यहां पर और बाकियों को मारो। और गाइस यहां पर यार पता नहीं ये सीन क्या हो रहा है कि ना इधर ज़ॉम्बी स्पॉन तो हो रहे हैं बट आगे जाके ना अटक जाते हैं, तो यार ये चीज मेरे को देखनी पड़ेगी। मैंने ना जो मतलब कि जो नली है ना मतलब वो थोड़ी सी पतली सी बनाई है, शायद इसलिए ऐसा हो रहा है। तो पता थोड़ी थोड़ी देर में आते हैं ज़ॉम्बी, बट आते हैं तो काफी सारे आते हैं वो भी लाइन से, तो फिलहाल पता नहीं क्या सीन है। तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल यहाँ पर मैंने अपने सारे के सारे टूल्स तो रिपेयर कर ही लिए हैं और साथ में गाइस मैं एक और मेंडिंग लेकर आ गया और मैंने अपनी नेदरराइट स्वॉर्ड भी रिपेयर कर लिया है। बाकी यार आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे को ना प्रोटेक्शन 3 मिला था और मैं बात कर रहा था प्रोटेक्शन 5 की, तो प्रोटेक्शन 5 नहीं था, प्रोटेक्शन 4 होता है और वो कैसे बनेगा मैं दिखाता हूं। तो हमें दोनों बुक्स को कुछ इस तरीके से रखना है, इससे बना प्रोटेक्शन 4, बस कुछ इसी तरीके से बन जाता है। बस यहाँ पर एक बुक रखो, एक बुक इधर रखो, ये बन गया प्रोटेक्शन 4। और मेरी बाकी बुक्स ओके तो मैंने इसके अंदर रखी हुई थी, वही मैं कहूँ यार बाकी बुक्स कहाँ चलेगी। एक तो यार बैग ना इस टाइम पर पूरा भर चुका है, जल्दी से सारी की सारी प्रोटेक्शन 4 बनाते हैं और इसको अपने मतलब कि जो आर्मर है उनके ऊपर लगा देते हैं। तो चलो गाइस यार अभी फिलहाल यहाँ पर मैंने सारी बुक्स प्रोटेक्शन 4 की बना लिया है, जल्दी से बस इन्हें अपने आर्मर पे इक्विपमेंट कर लेता हूँ। बाकी ओए ओए एनविल टूट गया, वाह भाई अभी मेरे को दोबारा से एनविल लेने जाना पड़ेगा। फिलहाल ऊपर की तरफ में एक चेस्ट पड़ी है, काश इसके अंदर सामान हो जिससे एनविल बन जाएगा। फिलहाल मेरे 2 आयरन है तो उनको एक बार ही जाना ही पड़ेगा वापस। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल मैं भागते भागते अपने कासल में वापस आ चुका हूँ। और गाइस यार आज ना एक चीज़ तो मेरे को समझ आ गई है कि कोई भी प्रिपरेशन ना एक दिन में नहीं करी जा सकती, मतलब क्या यार ये जो एक्सपी वाला सीन था ना भाई पूरा एकदम दिमाग खराब हो गया, क्योंकि बार बार ही एक्सपी खत्म हो जा रही थी जैसे मैं वो चीज़ बना रहा था। फिलहाल अभी जल्दी से इसको रेडस्टोन डालते हैं और अब गाइस सारा काम कंप्लीट हो चुका है। और इतना सारा रोटेन फ्लैश मैं लेकर किस लिए घूम रहा हूँ भाई, एक ना मेरे को रोटेन फ्लैश का एकदम बढ़िया सा यूज़ बताना, खाने के अलावा इसका और कहाँ कहाँ यूज़ था, वैसे बेकार ही होता है किसी काम का नहीं होता। तो चलो यार अभी ना जल्दी से
से बनने देते हैं, सब कुछ हो गया गाइस, अपना बस हमें वेदर को बनाना है। बट यहाँ पर नहीं, मैं अपने कासल से पहले बहुत दूर जाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि सीधा मेरे कासल पे टूट पड़े। तो चलो गाइस, अभी सब कुछ हो चुका है, मैं पूरा रेडी हूँ इस टाइम पर उससे फाइट करने के लिए। सब कुछ एकदम चेक है, मैं पहले चेक कर लेता हूँ। तो ये मेरी नेदर राइट स्वॉर्ड है, मेरे पास मेरी पिकेक्स है, साथ में बो है जिसके अंदर मेरे पास अनलिमिटेड एरो रहेगी। देखो यहाँ पर 18 एरो है और मैंने इसे यूज करा और ये 18 की 18 ही रहेगी चाहे मैं जितना भी यूज करूँ। और बाकी अगर बात करें ओल्ड टूल्स की, तो फिलहाल इनकी उतनी जरूरत नहीं है। पोशन ऑफ स्ट्रेंथ भी मेरे पास पूरा 8 मिनट वाला, गोल्डन कैरेट भी है और साथ में पोशन ऑफ रीजेनरेशन भी है। तो चलो गाइस, टाइम आ चुका है उसको हराने का। तो फिलहाल इस सारा सामान यहाँ पर मैं संभाल के रख देता हूँ और जल्दी से इसको नीचे रखते हैं, इसको यहाँ पर रखते हैं और फटाफट से ना गाइस यार, सबसे पहले मैं बहुत दूर जाने वाला हूँ अपने कासल से। तो चलो यार, एक काम करता हूँ ना, यहाँ से एकदम सीधा चलता हूँ और जैसे ही थोड़ा बढ़िया सा दूर का डिस्टेंस हो जाएगा ना, तब उससे फाइट लेंगे, वो भी अकेले, ना कोई आयरन गोलम या फिर मेरे साथ, मतलब कि कोई भी नहीं, मैं अकेला और सामने वेदर। तो ओके गाइस यार, अभी ना फिलहाल मैं भागते भागते अपने कासल के काफी ज्यादा दूर आ चुका हूँ और गाइस यार यहाँ पर एक खुला मैदान है, तो मेरे हिसाब से मुझे इधर ही वेदर से लड़ना चाहिए। वो देखो सामने की तरफ में मेरा आयरन फार्म, तो मुझे कुछ भी करके ना वेदर को मुंह तोड़ के हराना पड़ेगा। वैसे यार मैं मजाक कर रहा हूँ, इतना ज्यादा आसान भी नहीं हो हराना। सबसे ताकतवर, सबसे ज्यादा हेल्थ वाला मॉन्स्टर है वो माइनक्राफ्ट का, मतलब एंडर ड्रैगन से भी ज्यादा ताकत है उसके अंदर। तो चलो गाइस, अभी ना जल्दी से उसे स्पॉन कराते हैं। सबसे पहले काम करता हूँ, खाना खा के अपना पेट भर लेता हूँ। पोशन वोशन तो मैं उसको उतारने के बाद ही पी लूंगा, उसकी दिक्कत की बात नहीं है। वैसे दोनों पोशन नहीं, पोशन ऑफ रीजनरेशन जो है ना, एक काम करता हूं, इसको मेरे को अच्छे से याद रहे, इसलिए मैं एक काम करता हूं, पोशन ऑफ रीजनरेशन मेरा इस साइड है, मेरे को अच्छे से याद रहना चाहिए, बाद में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो एक बार उतर गया तो फिर वो हमें पोशन पीने तक का भी टाइम नहीं देगा जहां तक मुझे लगता है। तो गाइस यार, वैसे ना अभी मेरे को थोड़ा बहुत डर लग रहा है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल यहां पर सारे के सारे टूल्स मैंने एकदम बढ़िया तरीके से सेट कर लिए हैं और गाइस अभी ना जल्दी से काम करता हूं, पोशन ऑफ स्ट्रेंथ पी लेता हूं, क्योंकि इसका टाइम यार 8 मिनट तक का है। तो एक मैंने पी लिया, दूसरा यहां पर नीचे रख लेते हैं और अभी फटाफट से यहां पर मैं स्पॉन करा देता हूं वेदर को। तो एक इधर और अभी बस मेरे को यहां पर तीनों इसकी मुंडियां लगानी है और जो फिर ये है, मतलब कि स्पॉन हो जाएगा। एक दो स्टार्ट कर देते गाइस, तीन। तो चलो भाई, यहाँ पर मैंने इसे स्पॉन करा दिया। फटाफट से मैं अपने गोल्डन कैरेट नीचे रखता हूँ, फटाफट से यहाँ पर मैं स्ट्रेंथ वाले पोशन को पी लेता हूँ और दूसरे स्ट्रेंथ वाले पोशन को नीचे रखता हूँ और अभी अपनी बो निकाल के मैं इसे सीधा मारना शुरू कर देता हूँ। बाकी ओ भाई साहब, ये देखो भाई, यहाँ पर ये उतर चुका है, लेकिन कोई भी डरने की बात नहीं है, यहाँ पर अपने को इसे हराना है भाई। अगर मैं पीछे, वैसे एक सेकंड शांति से खेलना पड़ेगा वरना बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ये देखो भाई कि कितने ज्यादा धमाके कर रहा है भाई, इतना ज्यादा खतरनाक होता था कि एक सेकंड भाई, अगर मैं इतनी प्रिपरेशन नहीं करता तो सीधी सी बात है मैं मरने वाला था। सीरियसली इधर से निकल, यहाँ से मेरे कासल की तरफ मत जाइयो भाई, गड़बड़ हो जाएगी यार, इसको मैं नहीं मार पाऊंगा मेरे को ऐसा लग रहा है। लेकिन नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, मेरे एक मत्थे पे निशाना मारूंगा ना तो गाइस इसकी हेल्थ बहुत तेज जा रही है। अच्छा हुआ कि मैंने यहाँ पर पोशन ऑफ स्ट्रेंथ ले रखा था। बाकी नीचे आ गए, नीचे आ गए, इसकी नीचे उतरेगा। अभी फिलहाल मेरी हेल्थ तो नहीं जा रही ना, इसका मुंह बहुत बुरी तरह तोड़ना पड़ेगा। ओ भाई, ये तो मेरे को एक गड्ढे में ढकेले जा रहा है। नहीं 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 नहीं, इसको तो मैं मार के ही रहूंगा भाई, अभी कुछ भी हो जाए। इधर आती हसी की तरह भाग यहाँ से। ओ भाई, इसको ही मैंने रेल बना दी भाई, रुक जाओ। गया गया गाइस, मेरे को नहीं लग रहा ये ज्यादा देर तक टिकने वाला है। ओ भाई, मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा जा चुकी है, मेरे को सबसे पहले पोशन ऑफ रीजनरेशन पीना पड़ेगा। जल्दी 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 जल्दी, एक और क्यों पी लिया मैंने, रीजनरेशन ये वाला था, मैंने पोशन ऑफ स्ट्रेंथ पी लिया, शायद से पता नहीं क्या हुआ है ये, लेकिन ये मर गया। ओ भाई साहब, यहाँ पर इसे मैंने कितनी जल्दी मार दिया, वो भी एकदम 1v1 आमने सामने। मैं कहीं पर भी भागा नहीं, कहीं पर भी छुपा नहीं, पूरी की पूरी जगह इसने तोड़ डाली यार कुछ सेकंड में ही। अच्छा हुआ कि मैंने इसे अपने कासल के मैदान में नहीं उतारा, वैसे उतार भी देता ये वहां भी पिटता, बट थोड़े बहुत चांसेस थे कि मेरा कासल तोड़ देता। बाकी इसको मारने के बाद हमें एक नेदर स्टार मिलता। ओ भाई, ओ हेलो, ये भाई एक सेकंड, ये वेदर ही था ना, मेरे को नेदर स्टार नहीं मिला, क्योंकि एक सेकंड यार ये कुछ गड़बड़ लग रही। ओ कुछ मिला, एक सेकंड, अभी तक मेरे को नेदर स्टार नहीं मिला भाई, मैं मार दूंगा भाई। तो गाइस यार, अभी ना फिलहाल मेरे को सीन समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार हुआ क्या। इसको मारने के बाद एक नेदर स्टार मिलता है जो कि मेरे को नहीं मिला भाई, मैंने इतनी ज्यादा मेहनत करके इसे इतने बड़ी। ओके, तो ये रहा वो नेदर स्टार। तो चलो गाइस यार, फाइनली हमें नेदर स्टार मिल गया है। तो गाइस यार, हमने इतनी देर तक जो मेहनत करी थी आखिरकार वो फल लाई और हमने इतनी प्यार से इस वेदर को मारा भाई, मेरे को नहीं लगता किसी ने मारा होगा इसे इतनी बुरी तरह, वो भी इसके सामने खड़े होकर। तो चलो गाइस, फाइनली रेल बना दी और मेरे को ना इतने सारे पोशंस बनाने की भी जरूरत नहीं थी भाई, इतने कम पोशन में ही काम हो गया। उस गोल्डन कैरेट में 28 लेकर आया था भाई, बिल्कुल यूज ही नहीं हुआ, एक गोल्डन कैरेट भी खाने का मेरे को टाइम नहीं मिला। बट ये है कि एंड टाइम पर ना मेरी हेल्थ बहुत तेज जाने लग गई थी, क्योंकि मेरा पोशन ऑफ रीजनरेशन खत्म हो गया था, पोशन ऑफ स्ट्रेंथ मेरा चल ही रहा था। तो मेन जो काम है मेरे को लगता है वो सबने ही करा है, क्योंकि प्रोटेक्शन ने मेरी हेल्थ बचा के रखी, पोशन ऑफ रीजनरेशन ने मेरी हेल्थ बार बार ही बढ़ाई, जो भी वो अटैक कर रहा था, जो भी वो इफेक्ट दे रहा था जिससे एचपी जाती है, तो वो उससे कम हो रही थी, लेकिन पोशन ऑफ रीजनरेशन से बढ़
रही थी, जिस वजह से वो वहीं की वहीं पर रुकी हुई थी। और अगर बात करें बाकी तो भाई सब चीज जो भी मैंने प्रिपरेशन करी थी वो एकदम बेस्ट थी, और मेरे हिसाब से इससे बेस्ट प्रिपरेशन नहीं हो सकती इसको मारने के लिए। तो चलो भाई, मेहनत काफी ज्यादा लगी लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से और बहुत प्यार से मैंने इसको मार दिया। तो चलो गाइस, फाइनली सब कुछ हो चुका है। और गाइस अब मैं बनाने वाला हूं बीकन। तो बीकन बनाने के लिए हमें थोड़े बहुत ऑब्सीडियंस चाहिए एंड मेरे को थोड़ा बहुत यहाँ पर ग्लास चाहिए जो कि मेरे पास ऑलरेडी होगा। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने थोड़े बहुत ग्लास ले लिया और इस वाली चेस्ट से मेरे को यहाँ पर एक ऑब्सीडियन भी मिल गया। तो अभी ना गाइस जल्दी से एक काम करता हूँ, नीचे तीन ऑब्सीडियन रखने हैं, बीच में एक नेदर स्टार रखना है और इसको कवर कर देना यहाँ पर ग्लास से, और फाइनली बीकन बन चुका है। और बीकन का क्या यूज होता है, क्या करते हैं वो भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ गाइस। ये बहुत ज्यादा काम की चीज है और इसी चीज के लिए मैंने इसे मारा भाई, और किसी चीज के लिए नहीं मारा। और ये जो बीकन है गाइस, जैसे मैं जहां पर लगाऊंगा ना, बस अभी देखते जाओ कितना ज्यादा बढ़िया चीज है। तो गाइस यार देखो, बिना फिलहाल मैं सोच रहा था कि बीकन को अपने कासल के एकदम सेंटर में लगाएंगे, बट अभी ना एक दिक्कत ये आ रही है कि अपने कासल का तो कोई सेंटर है ही नहीं। मतलब एक ब्लॉक राइट साइड में, एक ब्लॉक लेफ्ट साइड में है, और ये जो आप बीच वाली लाइन देख पा रहे हो ना, ये है सेंटर जिसके अंदर हम लोग कोई भी ब्लॉक रख नहीं सकते। तो सीधी सी बात है, बीकन को हमें या तो थोड़ा सा राइट या फिर थोड़ा सा लेफ्ट रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से लुक ना थोड़ी खराब हो जाएगी, क्योंकि मैंने अपने कासल को पूरा एक एक ब्लॉक मेंटेन कर बनाया है। तो एक काम करता हूँ यार, दो बीकन का जुगाड़ करना पड़ेगा, और दूसरा बीकन लाने के लिए हमें एक और वीदर को मारना पड़ेगा। और वैसे कोई नहीं, जब भी फ्री टाइम होगा ना, मैं दोबारा से उसे बुला के मारूंगा और एक और हमें बीकन मिल जाएगा। बस वही पोशन वोशन सब कुछ जैसे अभी करा था ना, सेम करना है। तो बिना फिलहाल एक काम करता हूँ, एक यहाँ पर मैं बीकन बना लेता हूँ, दूसरा फ्री टाइम में बना लेंगे। तो वो जो बीकन है गाइस यार, यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ बनाने के लिए, तो ये अपने कासल का टावर। तो ये जगह ना एकदम खाली पड़ी है, मतलब पूरा एकदम खाली स्पेस है, तो यहाँ पर बनाते हैं। अभी फिलहाल बो ऊपर रख लेता हूँ, शवल नीचे कर देता हूँ और अपना काम यहाँ पर शुरू कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना, ये जो बीकन है ना, सिंपली इसको मेरे को लेना है और यहाँ पर रख देना है। बट रखने से पहले ना इसके नीचे मेरे को ब्लॉक ऑफ आयरन रखने पड़ेंगे कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पर मैं 9 ब्लॉक्स तोड़ता हूँ, 1 2 3 4 5, ये 9 टूट गए ना, ओके तो शायद से 9 टूट गए हैं। अभी फटाफट से यहाँ पर मैं ब्लॉक ऑफ आयरन लेता हूँ, थोड़े से इधर थोड़े से इधर, और अभी जल्दी से ना गाइस इसको मैं यहाँ पर कुछ इस टाइप से लगाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ये लगाना जरूरी है, ये मैं सजावट के लिए नहीं कर रहा, ये लगाना ही जरूरी है। अभी फिलहाल इसको मैंने लगा दिया और ये देखो गाइस, ये अपना काम करने लग गया, कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है। तो अभी ना गाइस इसके अंदर देखो क्या सीन होता है, अभी ना फिलहाल ये फर्स्ट लेवल पे है, यानी कि हमने ये जो आप आयरन ब्लॉक देख पा रहे हो ना, हमने अभी सिर्फ इसकी एक लेयर लगाई है। तो हमें ये दे रहा है स्पीड, हेस्ट से क्या होगा, हम लोग तेज माइनिंग कर सकते हैं, रेजिस्टेंस से मेरे को नहीं पता, जंप बूस्टर शायद से हम लोग ऊंची जंप मार सकते हैं, और ये है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ से हमारा जो डैमेज है वो कुछ ज्यादा ही जाएगा। लेकिन ये सब जो चीजें ना हमें अभी नहीं मिलेगी, उसके लिए हमें ना इसकी एक और लेयर बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले यहां पर मैं इसे तोड़ता हूं पूरा, और जल्दी से ना गाइस एक और लेयर यहां पर बनाते हैं। एक काम करता हूं ना गाइस, एक ही बार में मैं इसकी सारी की सारी लेयर बना डालता हूं, ठीक है, ताकि इसका जितना भी सामान है ना वो सीधा काम करना है स्टार्ट कर दे। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने ये जगह एकदम प्लेन कर दिया। अभी फटाफट से ना यहाँ पर एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर। तो अभी फटाफट से ना यहाँ पर ये तीनों लेयर को फटाफट से कंप्लीट करते हैं। अब मैं इस तरीके से इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे को एकदम एग्जैक्ट पता चल जाए कि आखिरकार कितने ब्लॉक्स इसके अंदर लगने वाले हैं। वैसे जहां तक मुझे लग रहा है ना, अपने को ब्लॉक्स की कमी पड़ने वाली है। तो अभी जल्दी से यहाँ पर मैं इसको इसके ऊपर रख कर देखता हूँ कि अभी ये काम कर रहा है या फिर नहीं। तो चलो ये काम तो कर गया, अभी फटाफट से हमें यहाँ पर नीचे उतरना है और जल्दी से इसकी जितनी भी लेयर है ना गाइस, वो सारी की सारी बनाते जानी है। तो वैसे मेरे पास ज्यादा ही आयरन है, अपना काम जो है जहां तक मुझे लगता है हो जाएगा। तो फटाफट से यहाँ पर इसकी सेकंड लेयर भी मैं बना देता हूँ। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल यहाँ पर ये इसकी लास्ट लेयर रह रही है और फाइनली यहाँ पर मैंने ये वाली लेयर भी बना दिया है। तो गाइस अभी ना जल्दी से यहाँ पर ऊपर चढ़कर देखते हैं। ओके तो ये देखो, यहाँ पर ये स्ट्रेंथ वाला भी अनलॉक हो गया, यानी कि अगर अभी कोई भी मॉब आता है तो मैं एक ही अटैक में शायद उसे मार सकता हूँ। बट इसकी ना गाइस एक लिमिटेड रेंज होती है जो कि यहाँ पर लेयर बनाने से बढ़ जाती है और साथ में चीजें भी अनलॉक हो जाती है। अब बाकी से नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग टेस्ट करने वाले हैं, लेकिन जो भी है, जो चीज हमें बनानी थी, जो काम हमें करना था, फाइनली कंप्लीट हो गया है। और मेरे को खुद पे हंसी आ रही है कि मैं टॉट टाइम ऑफ वन डाइंग पता नहीं क्या क्या लेकर सोच कर बैठा हुआ था कि इस तरीके से वीदर को मारेंगे, और अगर मर गया तो मेरे को मतलब जिंदा रहना है, बट जो भी बहुत आसानी से मार दिया। तो चलो गाइस यार, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। इस वीडियो पर मैं एम करता हूं 6 लाख लाइक के लिए, तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। और जो भी चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और आप लोग ना यार मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर सजेशन दे सकते हो कि ये जो स्केलेटन हॉर्स है, मुझे इसका क्या करना चाहिए, मतलब ये किस काम का है, किस लिए मैंने यहां पर इसे बांध दिया, मुझे नहीं मालूम। बाकी इसको तो मैं मतलब कि इसके लिए घर बना देंगे, मुझे पता है बहुत कमेंट आते हैं। तो चलो गाइस यार, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी उसके लिए भी घर बन जाएगा। तो चलो गाइस यार, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।